नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। आज शाम नवाबाद थाना क्षेत्र झांसी में अचानक एक ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें देख वहां भगदड़ मच गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने बगल में बने मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। महानगर के शिवाजी नगर में सरदार हसबिंदर का एक गोदाम है, जिसमें ऑटो पार्ट्स का सामान, टायर और अन्य सामान भरा हुआ था। शाम को अचानक गोदाम से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते धुआं आग में परिवर्तित हो गया। आग की लपटें देख वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बगल वाले घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ऑफिसर राजकिशोर राय का कहना है कि शिवाजी नगर में सरदार जी के यहाँ आग लगी है, यहाँ हेलमेट वगैरह का स्टोरेज है। ये शिवाजी नगर में आग लगी है सरदार जी के यहाँ, और हेलमेट वगैरह का स्टोरेज वगैरह है, और आग अभी जल रही है। हमारी एक गाड़ी पंपिंग करके चली गई है, हमारी दूसरी दो तीन गाड़ी और लगी है, और इसको पूर्ण रूप से बुझाया जा रहा है और इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ये देखने आग लगने का कारण क्या रहा, किस विषय पे आग लगी, क्या बताया, कुछ जानकारी क्या? अभी विवेचना का विषय है ये। आग लगने के बाद पूछते हैं सरदार जी से कि कैसे लगी, क्या लगी। अभी तो हम लोग आग को बुझा रहे हैं, किसी प्रकार से आग को बुझाया जाए। मकान को चपेट में ली आग ने अपनी? नहीं, अभी तो चपेट में नहीं ली है हम लोग, अभी आग को कंट्रोल में किए हुए हैं। अब हेलमेट वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, गोदाम है, कार्टून वगैरह है, काफी मात्रा में प्लास्टिक का सामान वगैरह है, प्लास्टिक के पार्ट्स वगैरह है। अभी तो हमारी तीन गाड़ियां लगी हैं। आप कैसे लगी, कुछ जानकारी क्या आप? बस लुआ देखी हम लोगों ने, धुआं देखा, उससे पता लगा नहीं कि कहाँ पीछे से आई या यहाँ से आई। और ये जो जगह है इसमें वो स्पेयर पार्ट्स, कार्टून, मोटरसाइकिल सामान, गोदाम टाइप के बनाए ये रहने लगे वहाँ पर गुरुद्वारा के पास। क्या नाम है? अभी कोई रहता नहीं था, गोदाम बना के रह गया। यहाँ पर सिर्फ गोदाम था। सामान क्या बताया जा रहा है, क्या चर्चा कर रहे हैं? उसमें तो होगा 10-20 लाख का माल होगा, क्योंकि कार्टून है सारा, ज्यादा प्लास्टिक का आइटम है, कार्टून। आसपास के और मकान में डर कब्जा होने का? अभी तो नहीं हो पाया, पक्के मकान वहाँ पे कहीं उन्हीं का जला है। आसपास के मकानों को टाइम पर पानी चलाते रहे, पानी चलाते रहे, पानी चलाते रहे, सारे सेफ रहे। ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और पीवीसी पार्ट्स हैं, जो इनमें अचानक से एकदम से सारे मोहल्ले वासियों ने एक टाइम जब देखा तो उसमें से बहुत तेज काली काली धुएं की, काला धुआं बहुत ज्यादा रफ्तार में ऊपर से जा रहा था और आग की एकदम से लपटें बढ़ती जा रही थी, तो इससे आसपास के मकानों में भी फैलने का डर हो रहा था। लेकिन सारे मोहल्ले वालों ने मिलके और पानी की टंकियों से पानी निकाल निकाल के आसपास के घरों को भी कंट्रोल किया, थोड़ा सा कंट्रोल किया। उसके बाद हमारी दमकल विभाग आई तो फिर बहुत अच्छा काम कर रही है। जी खाली नहीं कराए गए, लेकिन उस पर आग पे पानी डाल के उस पर कंट्रोल। कितने मकान है यहाँ? तकरीबन 15 से 20 मकान है, तकरीबन चारों तरफ से। ये इनके पीछे की तरफ से तकरीबन 6-7 मकान है, दूसरे तरफ से 3-4 मकान है, बड़ा मकान है, गोदाम है। खाली कर दिया मकान, मकान इनका, यह निवास कहीं और है, यहाँ पर सिर्फ गोदाम है इनका।